आज है बारात का दिन और बड़ा मजा आने वाला है। yes, और बस मैं अभी हम लोग सो के उठे, नाश्ता वाश्ता करके बस मैं संबल को जो है पाउडर छोड़ने के लिए निकला हूँ। अभी अपने घर जाएगी, वहाँ से थोड़ी बहुत चीजें इसने लेनी है। फिर इसको पाउडर छोड़ूंगा, पाउडर छोड़ के फिर मेरे एक दो काम है वो मैं कम्प्लीट करूंगा, फिर घर जाऊंगा फ्रेश फ्रेश होकर। फिर जब हम निकलने लगेंगे बारात के लिए तो फिर संबल को मैं पिक करने जाऊंगा जी। इंशाल्लाह मिलते हैं बारात बारात में। तो जी हाँ गाइस, कल मैंने कौसर को, क्योंकि कल मुझे बहुत सारे मैंने अपने काम ख़त्म किए थे, एक जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी उनके घर में भी शादी है, तो उन्होंने कहा था समूल मैं 9 और 11 को फ्री नहीं होंगी, तो वो बस मैंने जल्दी अपनी बुकिंग कैंसिल करवा के कहीं और करवाई। और फिर मेहंदी लगाने का टाइम नहीं बचा था, तो फिर मैंने जल्दी से कौसर को घर पर बुलाया। कौसर ने फिर मेरे दोनों हाथ पर मेहंदी लगाई, पैर पर मुझे शौक नहीं है लगवाने, क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत रफ हो जाती है और ड्राई, तो इस वजह से बस व्लॉग यहीं से स्टार्ट है गाइस। और आज फाइनली बारात और शादी है। तलहा मुझे ड्रॉप करके चले गए और मेरी मेकअप आर्टिस्ट अब मेकअप करना स्टार्ट करेंगी, तो उसके बाद मैं आप लोग को अपना जो है ना फाइनल लुक पूरा दिखाती हूँ। अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है अपना, तो बस ये देखें अब पूरा कंप्लीट लुक होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा मेकअप उस्मा कर रही है, लेट्स सी कि वो कैसा लुक क्रिएट करती है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ करने के लिए, लेट्स सी। मैंने आप पे छोड़ा। तो गाइज बस यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया। उस्मा थैंक यू सो मच। मैं हेयर स्टाइल के बाद आप लोग को देखती हूँ, बस अभी मैं फेस नहीं दिखा रही, हेयर स्टाइल हो गया उसके बाद मैं कंप्लीट लुक अपना दिखाऊंगी आप लोगों को, हेयर करूँगी। चले मैं हम जा रहे हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, एक बैग ले जाऊँ। आई एम जस्ट डन एंड दिस इज़ माई लुक। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तना मुझे पिक करने के लिए आएंगे। तो ये मेरा लुक है, हेयर स्टाइल एंड नेल्स मेरे डन हो रहे हैं, तो बस आप लोग को अनबॉक्स करके बताएगा। खड़ी होगी आपको अपना लोग दिखाती हूँ सब चीज़ें, ज़रूर आइएगा। स्टाफ वगैरह सब बहुत कोऑपरेटिव है, अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो पूरा स्टाफ आ जाता है करने के लिए, तो आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा। एंड आई एम लविंग माई लुक। और ये मेरा अपना जो मेरा सबसे बड़ा इवेंट था बारात का, वो मैंने अपना पूरा इनसे करवाया, और इंशाल्लाह रिसेप्शन पर भी मैं आऊँगी, तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर आके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जी गाइस, तो बस अब मेरी सब चीज़ें डन हो गई हैं और अब मैंने कर ली हूँ अपने घर के लिए माय मेकअप, और मतलब डायरेक्ट वेन्यू पे पहुँचेंगे, तो चलें आ जाएं। मैंने फोर्थ टाइम वहाँ रोज़ आई हूँ, और इस ब्रांच में मैं पहली बार आई हूँ जो कि रब मेडिकल के पास है, वरना मैं मुझे केडिया वाले में जाती थी। सो इट वॉज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड उस्मा ने मेरा मेकअप किया है, अब रिसेप्शन में मैं उन्हीं से करवाऊँगी, जो हेयर स्टाइलिंग की है वो सर ने की है। तो मुझे आई एम जस्ट लविंग माय लुक। सो ये मेरा बहुत बड़ा इवेंट था, पहुंच गए हैं बारात में, चलें दे रहे हैं गाड़ी वाले बार क्यों जी दे। ओ क्या आ जाए, आप तो ब्लैक पहन रहे थे, मैंने कहा आप तो ब्लैक पहन रहे थे, खरीदा नहीं, खरीदा ही नहीं, तबीयत जरा सा घपला हो गई थी ना, मैं सीधा घर चला आया। कला दिखाएं, ड्रेसिंग लाइट बहुत अच्छी आ रही है आपकी, वाओ अंदर ज्यादा सही आएगी। गाइस हम पहुंच गए हैं, आ जाएं। हाय, मेकअप कहां से करवाया? टी कजन से, अजीबा ब्यूटी पार्लर। ओके, तो बस अभी सबसे पहले हम लोग ही आए हैं, आज हम एक मिलकर एक पोज दे रहे थे, हाय कह रहे थे। तो सबसे पहले बारात में दुनिया और मैं ही पहुंचे, मतलब अभी बाकी सब लोग आ रहे हैं, तो ये देखिए गाइस सब बहुत प्यारा सा क्या हुआ है। तला सब लोग पहुंच गए, और कहा लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, मैं लड़की वालों की तरफ। फरात जो वेयर इवेंट था ये थी उसकी पूरी, आया मोबाइल सीधा रखो, ड्रेसिंग तला आप भी आए, एक मिनट को। ओके ये था, तला को ऐसे ही ले लो पूरा, कला लोकेशन भेज रहे गाइस सबको, लोकेशन भेज रहा हूं, अभी कोई भी नहीं आया है हमारा पीछे पीछे करके। सच बताओ, लड़के वाले या लड़की वाले? मैं लड़की वाले। सच, हम भी लड़की वालों की तरफ से, मामी की तरफ से। अच्छा, अरे यार मेरी मामी की तरफ से, मामी इंट्रोडक्शन पूछोगी वैसे यार, तो फिर देखो तभी इतना प्यार था, क्योंकि हमारा कनेक्शन 100 साल पहले से था। 100 साल, ओ माय गॉड।
चल आप टेस्ट करें। इतनी देर से गाने चल रहे थे तो मैं इसलिए बना नहीं रही थी, मैंने कहा गाने चल रहे हैं। नानों को लेकर आओ अगर गाड़ी आ रही है। 4 मिनट में गाड़ी आ रही है, 5 मिनट में गाड़ी आ रही है। गाड़ी खत्म हो गया है सब। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का। और मेकअप भी आंखें नीचे करें, आंखें नीचे करें, बहुत नो मेकअप लगी नहीं लगी हुआ है, बहुत अच्छी लग रही है। हम इवेंट यहाँ ख़त्म होता है गाइस। और हैप्पी बर्थडे तो गाइस बस हम लोग शादी से, माया की शादी से हम लोग अभी फ्री हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, मतलब घर आए हैं। तो आज है, चलो आप बोलिए, आज मेरी बर्थडे है तो मैंने कहा चलो यार सोमवार को ट्रीट देते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा सैर सपाटा करने, घूमने फिरने, मतलब कि मी टाइम करना है। अभी बर्थडे है 10th, अभी छोटा सा अल्लाह गुल्ला करेंगे, बाकी मतलब हम दोनों सर। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं, चले आते हैं, लेट्स गो। ड्रेसिंग भी दिखा दो एक मिनट। और गाइस आप लोग ये मेरा ड्रेस देखिएगा, मेरे ड्रेस की सब लोगों ने बहुत तारीफ की है। तो ये था मेरा पूरा ड्रेस, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। कि साथ मनाएंगे, लेकिन अभी बस मतलब अगले एक छोटा सरप्राइज है, हम दोनों का मी टाइम हो रहा है, तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ आज। ये देखें गाइस बर्थडे तो हम सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन क्योंकि आज बर्थडे है 10th January है, तो कल मेरी तरफ से तलहा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ था। तो ये देखें बर्थडे हम सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, बस एक छोटा सरप्राइज़ था मेरी तरफ से तलहा के लिए। तो ये देखें अभी ये तलहा कट करेंगे। ओके मैं हैप्पी बर्थडे टू यू गाइज। ये देखें बर्थडे अभी सिर्फ एक छोटी सी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तलहा और मैं। और ये देखें तलहा ये दिखाएं, एक मिनट पहले ये तो दिखाते थे। ओके हैप्पी, मैं खिलाऊंगी ना आपकी बर्थडे शादी से डायरेक्ट, मैंने कहा आज के दिन हैप्पी बर्थडे और आप मुझे खिलाएं। यस गाइज तलहा की आज बर्थडे, मैंने कहा अभी लेट नाइट है, मैंने कहा आज ज़रूर एक केक कट होना हैप्पी बर्थडे, और आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो और ये दिखाएं, ये था मेरा बर्थडे। तलहा आपने मुंह खराब कर दिया है, HBD तलहा। और आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक ऐसे हज़ार साल हमारी एनिवर्सरी भी आ जाए और तलहा की बर्थडे भी। तो ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और एक मिनट एक चीज़ दिखाऊँ, ये फिर से देखें बड़े मज़े का।